विथ अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइज ये वीडियो भी एज यूजुअल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइज ना अब मैं जो भी हूँ वीडियोस बनाता हूँ, तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी सारी बॉक्सेस और सारे जो भी केसेस है, मैं अलग अलग बॉक्सेस में रखता हूँ सारी चीज़ें। ऐसे ही तो बॉक्स जो भी, जैसे मैंने सपोज चारकोल पेंसिल्स है तो मैं ऐसे ही बॉक्स में नहीं रख सकता, तो इसलिए मैंने अलग से ऐसे बॉक्सेस बाय कर रखे हैं, या फिर जो भी घर में आपके पुराने बॉक्स है उसमें आप भी स्टोर कर सकते हैं। तो मैं लाइन वाइज लाइन बताऊंगा आपको सारे बॉक्सेस में मैंने क्या क्या रखा है। कई लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आप कौन से ड्राइंग मटेरियल्स यूज़ करते हो, तो वैसे तो बेसिकली ये सारे ड्राइंग मटेरियल्स का ही वीडियो है, लेकिन शायद से दो चार मटेरियल रह भी जाएंगे क्योंकि ये बॉक्सेस का वीडियो है पूरा। तो गाइस सबसे पहले बात करें तो मैंने एक बॉटल में फिक्सिटी स्प्रे भर रखा है, जिसकी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इसके अंदर है फिक्सिटी स्प्रे जो कि होममेड है, इसको हमें बस हिलाना है और यूज़ करना है। तो ये हो गया, और दूसरा बॉक्स है जो कि मैंने, ये बस आपकी जो भी ईयरबड्स होता है उसमें से आप यूज़ कर के ले सकते हैं कोई भी बॉक्स, तो मैंने उसमें डाली है ये सारी पेंसिल्स जो कि मेरी पुरानी हो गई थी, छोटी पेंसिल्स हो गई थी। मैं जो पहले बाय करता था फैबर कैशल की पेंसिल्स, तो वो सारी पेंसिल्स आपने देखा होगा, मैं पहले वही यूज़ करता था, वो तो अब मैंने H&B का बाय किया है, लेकिन पहले मैं यही सारी पेंसिल्स का गाइस यूज़ करता था। तो ठीक है, तो ये सारी वो पेंसिल्स हैं जो कि मैं पहले यूज़ करता था, तो उसको भी मैंने स्टोर करके रखा है, अगर कोई बोले आपने कितना मटेरियल यूज़ किया तो बताने के लिए। और ये है गाइस, इसके अंदर है मेरी सारे के सारे इरेजर्स गाइस। हाँ गाइस, ये सारे इरेजर्स हैं, देखो गाइस बहुत सारे हैं। तो ये इस तरह का ये इरेजर है दो, तो ये इरेजर्स अगर आपको कोई कोई बार रफ करना हो तो काम आता है। और एक मैकेनो इरेजर और भी है गाइस मेरे पास, लेकिन वो अभी मैंने नीचे की, मैंने दूसरे रूम में रखा है तो अभी मैं वो नहीं ला पाया, तो सॉरी मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। तो ये दो इरेजर्स, ये मैकेनो इरेजर जो कि हाइलाइट्स के लिए काम आता है, नॉर्मल इरेजर, चार नॉर्मल इरेजर है, और ये एक डॉम्स का नियॉन का इरेजर। तो गाइस ये सामान है जो कि मैंने बाय किया है, और तो इसके अंदर सारे जो भी है इरेजर्स है गाइस, सारे इरेजर्स। फिर बात करते हैं ये बड़े से डब्बे की, आपको भी एक डब्बा ऐसा रखना ही चाहिए। इस डब्बे के अंदर क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए गाइस, पेंसिल डस्ट है इसके अंदर पूरा का पूरा, तो पेंसिल डस्ट भी आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहिए, ऐसे कभी नहीं फेंक सकते क्योंकि सेव और सेव ग्रीनरी, तो इसके कारण मैंने इसमें रखा है। और एक साथ में जब भर जाता है डब्बा तब मैं इसे डस्टबिन में डाल देता हूँ। तो ये है कुछ शार्पनर्स, तो गाइस शार्पनर्स के मैंने मेनली टू बॉक्सेस रखे हैं। अब दोनों बॉक्सेस में क्या है गाइस, तो पहला जो बॉक्स है वो आपको काफ़ी सारे शार्पनर्स है, देखिए गाइस अप्सरा के, मोस्टली दो डॉम्स के हैं, तो ये सारे शार्पनर्स है जो कि मैंने यूज़ कर लिए और जो कि मैं अभी यूज़ करता हूँ गाइस। हाँ ये सारे यूज्ड है, इनको मैं यूज़ नहीं कर सकता, एक दो ही है, जैसे कि ये रेड शार्पनर, एक ब्लैक न्यू शार्पनर भी मैंने नया निकाला था ये रहा, तो ऐसे आप शार्पनर्स रख सकते हैं गाइस एक न्यू से। तो ये सारे मैंने ओल्ड रखे हैं, और इनके अंदर दो शार्पनर्स है जो कि मैंने स्टोरेज में रखे हैं, यानी कि अगर मुझे वीडियो बनाने के वक्त या फिर कोई भी ड्राइंग में ख़त्म हो जाए। तो गाइस मोस्टली तो सारे जो भी शार्पनर्स होता है वो चारकोल को फंस जाने की वजह से ही ख़राब हो जाते हैं, तो वो रीजन्स होता है। और ये दोनों शार्पनर्स हैं जो कि मैंने रखे हैं, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, सारे नए हैं। फिर बात करते हैं ये यानी कि मैकेनिकल पेंसिल की लीड्स भी बहुत ज़रूरी है, कभी भी चाहिए। तो ये आधी चीज़ें गाइस मैंने कंपास में रखी है, तो वो भी मैं एक दिन बता दूंगा। और इसके अंदर है गाइस बहुत ही मेन चीज़ यानी कि टिश्यूज। अब जब भी ब्लेंडिंग करते हो गाइस, आपने देखा होगा मेरी जो आर्टवर्क है, एक मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो गाइस ये जो आर्टवर्क है मेरा, ठीक है, तो इसमें अब मुझे करना था बैकग्राउंड, आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड है पीछे का, तो ये बैकग्राउंड में मुझे चाहिए था एकदम यूनिफॉर्मली शेडिंग। तो
उसके कारण मैंने इसका टिश्यू का यूज़ किया और कई मैंने ऑयल पेस्टल भी यूज़ किए। आपने देखा होगा शिवा वाली ड्राइंग, काफ़ी ड्राइंग्स बनाई मैंने, तो उसमें यूज़ होता है ये टिश्यू। काफ़ी सारे हैं, 4-5 मैं रिसेंटली मैं रख देता हूँ, यूज़फुल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस, क्योंकि लाइक तो गाइस बनती है। इतना सारा सामान मैं आपको बता रहा हूँ और ये भी आपने देख लिया, तो अब बचता है ये और ये, ठीक है, ये दोनों चीज़। तो ये मैंने रिसेंटली बाय की थी, तो इसको मैंने कोई भी बॉक्स में स्टोर नहीं किया है। और ये मैंने एक सितंबर में आई थिंक ऑर्डर किया था और अक्टूबर में मेरे बर्थडे पे आ गया था, तो इसके अंदर भी सारा सामान आ ही जाता है। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज लाया है, जैसे कि ये है, ये मैंने अलग रखी है जेल पेन, ब्रश दूसरे सब तो सेम है, ग्रेफाइट पेंसिल टूट गई थी, सारी पेंसिल वैसे की वैसी है, चारकोल स्टिक, ग्रेफाइट स्टिक, चारकोल स्टिक मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, नीडबल इरेजर का यूज़ करता हूँ। तो और तो ये इरेजर गाइस बहुत ख़राब आता है, तो इसका रिव्यू वीडियो भी देख लेना, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ से देख लेना गाइस ज़रूर। और अब बचता है चारकोल पेंसिल्स का सेट, कैमलिन चारकोल पेंसिल्स का, इज मेरी फेवरेट चारकोल पेंसिल्स एवर, फेवरेट, ओनली 200 रुपीज बाइंग प्राइस, ओनली 200 प्लस डिलीवरी चार्जेस अगर हम लगाए तो हमें मिल जाती है करीब 250 में मिल जाती है। तो मैंने ऑनलाइन बाय की थी 250 में और काफ़ी अच्छी आई थी, तो ये आपको 10 पीस में मिलती है। तो इसका अभी मैं बॉक्स एक ढूंढ रहा हूँ गाइस, और ये जो भी आपने गाइस छोटे छोटे बॉक्स देखे वो तो बस ऐसे ही आए थे रिलेटिव्स की तरफ से, कोई प्रसाद की तरफ से, ऐसे आपको मिल जाते हैं, आपके घर पे भी पड़े होंगे। तो ये था गाइस मेरा सारा जो भी था सामान, ये तो इन सबको गाइस मैं एक ड्रॉअर में स्टोर कर देता हूँ, जिस टेबल पर मैं बनाता हूँ उस टेबल के नीचे एक ड्रॉअर भी है, तो इन सब सामान आ जाते हैं इसमें। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर ही अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्द से जल्द 14 जनवरी से पहले 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर दो, यानी कि कल के कल आपको कंप्लीट करने हैं 100 सब्सक्राइबर्स गाइस। तो अभी जाके सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलते हैं अगले ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।